जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पीएनपी कैसे पढ़ते हैं। पीएनपी जनरली किसको बोलते हैं? प्लान एंड प्रोफाइल। और प्लान एंड प्रोफाइल के बगैर तो आप कोई भी प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट तो नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या रहता है, आपका सारा कुछ डिटेल्स दिया रहता है, अलाइनमेंट्स कैसा रहता है, उसके बाद में उसका ड्राइंग क्या है, क्रस्ट क्या है, सब कुछ आपका पीएनपी में दिया रहता है। और नए जितने भी जूनियर इंजीनियर हैं या साइट इंजीनियर हैं, उनको प्लान एंड प्रोफाइल पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं उस चीज़ को बताऊँगा और उसमें से ये भी बताऊँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़ना है। बाकी बहुत सारा चीज़ दिया रहता है, वो साइट इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, वो जो हमारा जो टेक्निकल टीम रहती है, डिजाइनर के लोग रहते हैं, उनको ज़रूरत रहता है। बाकी जो है साइट इंजीनियर को उसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस देखिए, अभी जनरली ये हमारा जो है पीएनपी है, प्रोजेक्ट NH50 का है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक डेटा रहता है, हमको रिपोर्ट सबमिट करना रहता है, ये हमारा रिपोर्ट है और या PPT बोलते हैं जिसको। और एक चीज़ रहता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। ये देखिए, तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आपका क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ मेंशन रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में सेपरेट बनाऊंगा, उसको समझाऊंगा कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें आपका जो है बिलिंग से रिलेटेड सब कुछ दिया रहता है, आपका बिलिंग में क्या करना है, शेड्यूल GEH, मतलब जनरली जो भी शेड्यूल दिया रहता है उसके हिसाब से आपको करना रहता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लान एंड प्रोफाइल पढ़ने के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये जो है हमारा जो इंजीनियर है, साइट इंजीनियर कौशल है, और इनको भी मैं समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ है, और इनको कुछ डाउट रहा तो मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो देखिए, पहला जो हमारा पेज रहता है उसमें आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा PWD का है, जलकोट टोगरी सेक्शन NH50 का है, ठीक है। तो पहला फ्रंट पेज तो आपका देख दिया कि कहाँ से क्या जाना है। जलकोट से स्टार्ट होते हुए ये विलेज नेम है, ऐसे अलाइनमेंट है, ये दिया रहता है। टोगरी तक हमारा प्रोजेक्ट एंड है, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट यहाँ से हो रहा है और प्रोजेक्ट एंड ये यहाँ तक हो जा रहा है। तो ये चीज़ हमको पता चल गया, अलाइनमेंट पता चल गया कि इसी अलाइनमेंट में अपने को रोड बनाने का है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो हमारा डिटेल्स रहता है, आप देखिए प्लान एंड लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल जो दिया हुआ रहता है, ये यहाँ से ये 6 इंच तक का है हमारा। 6 इंच मतलब क्या होता है, किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक है। और उसमें देखिए आपको सब कुछ दिया रहेगा, जैसे कि हमारा क्लाइंट कौन है, PWD है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, अथॉरिटी इंजीनियर कौन है, डिजाइन कंसल्टेंट कौन है, और प्रूफ कंसल्टेंट और सेफ्टी, ये सारे लोगों का जो है ना स्टैंप लगा रहना चाहिए, प्रूफ मतलब ये चीज़ उनको वेरीफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड रहना चाहिए। तो इसके बाद ही हमारा प्लान एंड प्रोफाइल क्लियर हो जाता है, उसके बाद में हम लोग उसके हिसाब से वर्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके बाद में आइए हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में जो रहता है हमारा, जो रहता है कंटेंट शीट रहता है। इसमें क्या रहता है, लिस्ट ऑफ ड्राइंग रहेगा, उसके बाद लीजेंड्स रहेगा, रेफरेंस रहेगा, पिलर डिटेल्स कहाँ से लिया गया, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट रहेगा, वर्टिकल अलाइनमेंट रहेगा, टिपिकल क्रॉस सेक्शन एंड प्लान एंड लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल रहता है। तो ये चीज़ रहता है। अभी नेक्स्ट, ये तो कॉन्टेंट के हिसाब से आपका पेज। अब देखिए ये रहता है, ये आपको दिया रहेगा, जैसे मैं आपको दिखाऊँगा आगे में। अभी हमारा जो प्लान रहता है इसमें ये सब चीज़ आइडेंटिफाई, ये सब डिजाइन दिया रहता है, देख पा रहे होंगे छोटा छोटा दिखेगा इसमें, ये सब हमारा आइडेंटिफाई हो रहता है। और उसका मतलब क्या है, ये जैसे ऐसा बना हुआ है तो ये क्या हुआ, बिल्डिंग हुआ, और ये क्या हुआ, कलवट हुआ, और ये गेट हुआ, मतलब ये सारा चीज़ का नेमिंग मेंशन किया हुआ है। ये रहा तो क्या है, और ये चीज ड्राइंग में आप देख पा रहे होंगे। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो मैं इसका PDF डाल दूंगा, अपना जो टेलीग्राम का एक चैनल है सेम नाम से है, उसमें आप इसका PDF ढूंढ लेंगे, जहाँ से आपको क्लियर चीज़ ये दिख जाएगा, एक एक चीज़ जो जो डिज़ाइन है वो दिया हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद ये तो क्लियर हो गया आपका क्या क्या है नेमिंग के हिसाब से, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ओके। इसके बाद हमारा जो है रेफरेंस प्लेयर कहाँ कहाँ से लिया गया है, ये रहता है। और देखिए ये भी आपको जनरली यूज़ का चीज़, ये जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए पहला क्या रहता है, TBM रहता है, उसके बाद में उसमें हमारा नॉर्थिंग, ईस्टिंग और RL, मतलब XYZ जो कोऑर्डिनेट रहता है, तीनों चीज़ दिया रहता है। और ये सब TBM पिलर, टेम्प्रोरी बेंचमार्क जिसको बोलते हैं, उस पर अपना सब कुछ, हर एक पिलर पे इसका वैल्यू छोड़ा रहता है। जैसे क्या होता है कि आपको जब रोड का अलाइनमेंट, सेंटर लाइन वगैरह मार्क करेंगे, तो इसके रेफरेंस लेके आप नॉर्थिंग, ईस्टिंग ये यूज़ करके आपका जो प्लान एंड प्रोफाइल का कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है वो चीज़ आप एंटर करेंगे, तो आपका जैसे क्लियर हो जाएगा कि सेंटर रोड कैसे जा रहा है, टोटल स्टेशन से मार्किंग के टाइम में, जैसे नॉर्थिंग, ईस्टिंग ये सब दिया हुआ है ना, आपका हर चेनेज का नॉर्थिंग, ईस्टिंग दिया हुआ है,
हुआ है, नॉर्थ ईस्टिंग दिया हुआ है, जिससे क्या होगा जब आप टी एस लगाएंगे इसके बेसिस पर आप टी एस फिक्स कर लिए और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है इसी के थ्रू हम पूरा प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट मार्क करते हैं, जिससे हमारा पता चल जाएगा किधर भाग रहा है नहीं जा रहा है। वो आपको बताने किसी से पूछने की जरूरत नहीं, टी एस मशीन अपसेट कर दिए टोटल स्टेशन मशीन, उससे अपना पूरा मार्किंग हो जाएगा, इसमें वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारा अपना चेंजेस का पूरा दिया हुआ है नॉर्थ ईस्टिंग, और ये नॉर्थ ईस्टिंग लेके सेव अपना एक्सेल में लेके उसके बाद उसको सेव कर देते हैं अपना टोटल स्टेशन मशीन में, जिससे हमको जब मर्जी हुआ उसका मार्किंग करने का जरूरत पड़ा उस हिसाब से मार्किंग कर देते हैं, वो सारा चीज़ वही है। उसके बाद आपका आता है टेक्निकल क्रॉस सेक्शन, टिपिकल क्रॉस सेक्शन, जिसमें क्या होता है TCS, और जिसको TCS भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए TCS में जनरली आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ समझने की बात है, TCS 1, TCS 2 ऐसा दिया रहता है। तो आप जनरली देखिए TCS 3, TCS 4 ये सब दिया रहता है, TCS 5 इतने सारे क्यों होता है, TCS क्यों दिया रहता है? देखिए जनरली क्या होता है, अलग अलग लोकेशन में TCS वेरी करता रहता है। मतलब ये क्या दिया है कि आपका प्लान दिया हुआ है, रोड का विड्थ कितना रहना चाहिए, क्रश कितना रहना चाहिए। तो आप मान लीजिए प्लेन एरिया में रोड बना रहे हैं और एक हिल सेक्शन आ जाएगा, तो हिल सेक्शन में रोड बनाने का जो आपका डिजाइन रहता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए एक ही TCS नहीं, देखिए अलग अलग लोकेशन का अलग अलग TCS रहता है, और यही TCS आपको जो प्लान एंड चेंज वाइज मेंशन किया रहेगा कौन सा चेंज में कौन सा आपका TCS यूज करना है, ठीक है। मतलब ये सर चैनेज पे डिपेंड करता है, चैनेज मतलब लोकेशन वाइज वेरी करेगा आपका, जैसे कि बिल्टअप सेक्शन मतलब गांव आ गया तो वहाँ का कुछ अलग TCS रहेगा, TCS मतलब उसका ड्राइंग कुछ अलग रहेगा, जहाँ से वहाँ पे हो सकता है कि अभी मान लीजिए आपका फ्लेक्सिबल का रोड है तो वहाँ पे आपको PQC दे देगा, रिजिड पेमेंट दे देगा, और उसका हो सकता है कि वहाँ पे सर्विस रोड दे दे, तो वो चीज़ आपको मेंशन रहेगा कि कौन सा TCS कहाँ यूज करना है, वो हर ड्राइंग में रहता है। तो अब देखिए TCS हमारा जो होता है ये दिया हुआ है सीधा सीधा 2 लेन कॉन्क्रीटिंग वाइडनिंग ओपन कॉन्ट्री प्लेन रोलिंग टेरेन के लिए दिया है, ठीक है। तो ये अपना TCS 1 में क्या दिया है कि आपका कैरेज वे हो गया, ठीक है, 7 मीटर का कैरेज हुआ, 1.5 मीटर का पेव शोल्डर, 1.5 मीटर का पेव शोल्डर इधर हो गया, मतलब ये जो हो गया 10 मीटर का रोड हो गया, ठीक है। उसके बाद में अर्दन शोल्डर दिया हुआ है, देखिए 2 मीटर का इधर शोल्डर और 2 मीटर का इधर शोल्डर, तो ये हमारा अर्दन शोल्डर हो गया। मतलब टोटली अगर रोड के हिसाब से देखा जाए तो 7 मीटर का कैरेज वे, 1.5 मीटर का पेव शोल्डर जो कि जनरली कॉन्क्रीट का ही रहता है, और इस हिसाब से गए तो 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, मतलब 10 मीटर का हो गया, और अर्दन शोल्डर 2 मीटर का इधर दिया हुआ है, 2 मीटर का इधर, मतलब 14 मीटर का आपका टोटली रोड हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये स्लोप दिया रहता है आपका, ये से स्लोप रहता है, स्लोप भी मेंशन किया हुआ 2:1 का वर्टिकल, मतलब जितना आपका हॉरिजॉन्टल बढ़ेगा स्लोप उसमें वर्टिकल 1 जितना वर्टिकल रहेगा उसका डबल हॉरिजॉन्टल आपको बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये जो है अर्दन ये ड्रेन रहता है वो वेरी करते रहता है। उसके बाद में यूटिलिटी सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिक पोल हो गया, पाइपलाइन हो गया, उसके लिए दिया रहता है, ठीक है। और प्रपोज राइट्स ऑफ वे मतलब PROW जिसको बोलते हैं PRO, इसमें देखिए आपका जो रहता है पूरा 14 मीटर रोड हो गया, उसके बाद में मतलब आपका जो है 14 इधर और 14 इधर 28 मीटर का हो गया, ठीक है। और जनरली जो हमारा ये जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में दिया रहेगा कि आपका ROW कितना है, PROW कितना, प्रपोज कितना है, और पहले से एग्जिस्टिंग ROW क्या होता है? ROW मतलब होता है राइट्स ऑफ वे, ठीक है, मतलब को आपको काम करने के लिए गवर्नमेंट की लैंड कितनी है वो चीज़ होता है। और उसके बाद जो होता है PROW मतलब प्रपोज्ड होता है, मान लीजिए आपका गवर्नमेंट का लैंड वहाँ पे सपोज पहले से 15 मीटर का है, अगर 15 मीटर में रोड नहीं बैठ पा रहा है तो गवर्नमेंट उसको नया एक्वायर करती है, जिसको PROW बोलते हैं, उसका जो भी लोकल बॉडीज को लगा के उसका लैंड एक्वायर करने के बाद PROW हो जाता है। मतलब हमारा 10 मीटर का पहले का रोड था, ERW हो गया, उसके बाद में हमारा PROW जो होता है, मान लो 20 मीटर का लिए तो 10 मीटर एक्स्ट्रा ले लिए तो हमारा PROW हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ऐसे। तो देखिए वैसे ही हमारा TCS 1 है, TCS 2 है, ठीक है,
उसके बाद में वैली साइड में देखिए, ये वैली साइड में क्या रहता है, हमारा TCS जैसे 3 हो गया, तो वैली साइड में अपने को क्या है, इधर तो पूरा खाली टेरेन रहता है, जगह नहीं रहता, और एक साइड में तो आपका पहाड़ी रहेगा। उस सिचुएशन में आपको ये जो है TCS, इस टाइप की TCS यूज़ करनी पड़ती है। और उसमें क्या है, देखिए वैली साइड है, वैली साइड में क्या करना पड़ेगा आपको, रिटेनिंग वाल देना पड़ेगा, टो वाल रिटेनिंग वाल देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो पहाड़ रहता है उससे पानी को रोकने के लिए, नहीं तो पूरा रोड को डैमेज करेगा, हमको एक यहाँ पे वी शेप का ये जो है कंक्रीट ड्रेन देना पड़ता है, ठीक है। जनरली आपको ओपन एरिया में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये जो आपका रहता है अपना वैली साइड में, उसमें आपको देना पड़ेगा, ट्राइपोजाइडल ड्रेन दिया रहेगा। और उसमें देखिए आपका ये यहाँ पे TCS और उसमें दोनों TCS में आपका चेंजेस हो गया, आप देख लीजिए। यहाँ पे जो हमारा TCS था, ये TCS 1 है, ये 2 है, ठीक है। और इसमें 3 में आपका चेंजेस हो गया, चेंजेस दिख गया टोटल। इसमें अपना 10 मीटर का अर्दन शोल्डर, मतलब 10 मीटर का रोड बनाने के बाद एक एक मीटर का अर्दन शोल्डर दिया हुआ है, ठीक है, शोल्डर भी कम हो जाता है। तो वो इसके हिसाब से TCS हमारे चेंज कहाँ पड़ेगा वैली, वो यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा TCS 4 ऐसा दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद में आपका TCS 5 है, TCS 6 है, ऐसे ही हमारे TCS अलग अलग जगह में दिया रहता है, ठीक है। उस TCS को हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए जैसे कि अब हमारा TCS 10 आ गया। TCS 10 क्या होता है, आपका जो रिजिड पेमेंट के लिए वो दिया हुआ है। तो रिजिड पेमेंट में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो है बिल्टअप सेक्शन हुआ, विलेज एरिया हुआ, उस जगह में हमारा ऐसा TCS यूज़ किया है। एक तो आपका देखिए क्या है, पहला 10 मीटर का रोड हो गया, 1 मीटर का फुटपाथ दे दिया, उसके बाद में सर्विस रोड दे दिया है। और सर्विस रोड कितना दिया है, 5.5 का सर्विस रोड, 5.5 दोनों साइड। ऐसे ही आप एक ही चीज़ देखेंगे ना ड्राइंग में, तो आपको समझ में आ जाएगा रोड कैसे बनाना है, एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको नज़रों में आ जाएगा कि यही ऐसा ही रोड बनता है, ऐसे ये चीज़ हमको साइड पे एक्सिक्यूट करना है। उसके बाद में हमारा सर्विस रोड होने के बाद में ये ड्रेन रहता है, और ड्रेन कम फुटपाथ भी रहता है, आपका ड्रेन के ऊपर में फुटपाथ भी बना सकते हैं। और ये जो है पेडेस्टल रेलिंग जो रहता है, मतलब स्टील का आप देखे होंगे रेलिंग लगाता है, वो उसका ड्राइंग है। उसके बाद में हमारा ये जो रहता है यूटिलिटी सर्विसेज के लिए रहता है, जो भी हमारा केबल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, पाइपलाइंस हो गए, उसके लिए रहता है, ठीक है। ऐसे TCS का अपना अलग अलग रोल रहता है। और TCS में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देखिए, आपका क्रस्ट मेंशन किया रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने TCS 11 खोल रखा है, इसमें क्रस्ट मेंशन किया है। PQC की थिकनेस कितनी दी हुई है, 280 mm दिख रहा है, DLC की थिकनेस 150, GSB की 150, सबग्रेड 500 का, ये चीज़ हमको दिया रहता है। उसके वैसे ही अपना सर्विस रोड में DBM दिया हुआ, BC कितना है, BC जो है अपना 40 का है, DBM 85 का है, WMM 250, GSB 200 और सबग्रेड 500। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि हमको कितना लेयर थिक का कौन सा थिकनेस कितना डालना होगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए आपका ये जो है एक ड्राइंग दिया हुआ है आपका ड्रेन का, किसका ड्राइंग है, किस चीज़ का सर? ये हमारा ड्रेन का डिटेल्स दिया हुआ है, अपना बिल्टअप सेक्शन में जो ड्रेन दिया रहता है उसका ये ड्राइंग है। और ऐसे ही हमारा अलग अलग स्ट्रक्चर का जो है अलग अलग ड्राइंग रहता है, वो दिया रहता है, जो सेपरेट किसी वीडियो में हम लोग आपको ड्राइंग भी बता देंगे कि मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, कलवर्ट, उसके ड्राइंग दिया रहता है। तो उसमें क्या क्या पढ़ना रहता है, इंपॉर्टेंट वाला चीज़ क्या रहता है, तो इसमें जो जनरली दिया रहता है आपका जो है कलवर्ट का दे दिया है, और ये जो हमारा कर्व रहता है जो अपना मीडियन के बीच में लगाते हैं कर्व है, उसका ड्राइंग, और ये जो हमारा ट्रैपेजॉइडल ड्रेन का है, इतना ही चीज़ इसमें दिया हुआ है। बाकी नेक्स्ट जो अलग अलग सेपरेट ड्राइंग बनता है ब्रिजेज का, स्ट्रक्चर का जितने भी रहते हैं वो सेपरेट ड्राइंग रहता है। अब देखिए प्लान एनल लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल है, उसके बाद में हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चेनेज, जिसमें इंजीनियर्स को क्या जानने की ज़रूरत होती है वो हम आपको बताएंगे। देखिए ये चीज़ तो आपको दिख रहा होगा, कच्चा रेसिडेंशियल, कच्चा अपना कमर्शियल, मतलब ये चीज़ आइडेंटिटी यहाँ यहाँ ये जो दिया हुआ है इसमें दिखते रहता है अपना कच्चा पक्का, मतलब क्या क्या उसके रोड के साइड में आ रहा है वो चीज़ दिया रहता है। उसके बाद ब्रिज रहेगा तो ऐसा ड्राइंग देगा, और आपका CUP रहेगा तो ऐसा इंडिकेट करेगा, बॉक्स कलवर्ट रहेगा तो ऐसा इंडिकेट करेगा, पाइप कलवर्ट रहा तो ऐसा इंडिकेट करेगा, ये हमारा कवर ड्रेन रहा तो ऐसा इंडिकेट करेगा, वो चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे। अभी देखिए हमारा जो चेनेज है, यहाँ से एक विलेज रोड आ रहा है, यहाँ अटैच कर रहा है, तो ये हमारा जंक्शन हुआ है, ऐसा हमको पूरा चीज़ ये, और मेन जो हमारा रोड रहता है ये अलाइनमेंट रहता है। और इसमें देखिए ERW मेंशन किया हुआ है, इसमें दिख रहा है ERW, क्लियर है, और ERW यहाँ पे और PRW की जरूरत, मतलब जो ERW है उसी में हमारा रोड बन जा रहा है, तो आपको ज़्यादा मतलब कि नया एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए प्लान एंड प्रोफाइल में, अभी रोड यहाँ से कर्व हो रहा है,
दिख रहा है, तो उसमें आपका कर्व का सब कुछ, कर्व नंबर दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है और रेडियस दिया है -250। ये रेडियस पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान, ये रहना चाहिए आपका कमांडिंग, क्योंकि रेडियस जैसा वेरी करेगा उसी में आपका जो है सुपर एलिवेशन का ग्रेड जो रहता है आपका चेंज, परसेंटेज जो रहता है चेंज हो जाता है। आपका जो सुपर एलिवेशन का ग्रेड जैसे मैक्सिमम 7% रहता है, और अगर मतलब कि आपका कर्व जो है थोड़ा सा कम हुआ तो उस हिसाब में आपका सुपर एलिवेशन का जो ग्रेडियंट है वो भी परसेंटेज जो है वो भी कम हो जाता है, जैसे 5% 3% का भी सुपर एलिवेशन दिया रहता है। ठीक है, ठीक है जी। तो क्या कुछ डाउट है इसमें? सर ये जो कर्व दिया है, रेडियस दिया है, ये माइनस में रहता है हर जगह कि प्लस में भी रहता है? सर नहीं, ये तो आपका रेडियस जो है आपका जनरली माइनस में ही रहता है, मतलब घूम रहा है ना आपका, तो माइनस में ही रहता है कर्व जो है, घूम रहा है। अभी देखिए इधर से अपना कर्व बना रहा है तो माइनस का रहता है, और ये कर्व लेंथ मतलब कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये जो है कर्व लेंथ भी दिया रहता है आपका 72 का ये कर्व लेंथ है, उसके बाद ट्रांजेक्शन लेंथ दिया रहता है 90 का दिया रहता है, डिफ्लेक्शन उसमें कितना है ये भी दिया हुआ है, एक्सटर्नल डिस्टेंस कितना है ये भी दिया हुआ है, और देखिए सुपर एलिवेशन जैसा मैंने जिक्र किया ये 7-7% का दिया हुआ है, और डिजाइन स्पीड भी जो इसका है मतलब 80 का, मतलब इसका क्या हुआ कि आप ये कर्व में 80 के स्पीड पे भी आराम से स्मूथली पार कर सकते हैं, ये उस हिसाब से अपना डिजाइन है, और उसमें आपका कर्व में 80 से रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। और कहीं कहीं क्या होता है कि ज़्यादा क्लोज हो जाता है कर्व, तो अपने को क्या होता है डिजाइन स्पीड रिड्यूस करना पड़ता है। इस सिचुएशन में आपको, इस कर्व में आपको डिजाइन स्पीड रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अभी देखिए एग्जिस्टिंग रोड का यहाँ पे मार्किंग हुआ है, ये देखिए प्रपोज पी आर प्रपोज हो गया रोड का, जो हाइट RL दिया रहता है, ये डेटम 500 हो गया। उसके बाद में एग्जिस्टिंग लेवल, ठीक है, उसके बाद में ये सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन और इसका जो है प्रपोज्ड और जो सेंटर एग्जिस्टिंग रोड है, मतलब वो दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है, और ECL और PCL यही होता है, प्रपोज रोड लाइन और एग्जिस्टिंग रोड लाइन। एग्जिस्टिंग रोड लेवल देखिए आपका जो ये रहता है ये दिया हुआ है, और प्रपोज जो दिया है ये लेवल दिया है, और दोनों में कितना का डिफरेंस है 1.216, मतलब जो पुराना वाला जो रोड है उससे 1.26 नया वाला रोड हाइट में बनेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आपका एकदम, ये रो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टिंग लेवल एट प्रपोज सेंटर ये है, और उसके बाद में अपना जो है रहता है नेक्स्ट ये हॉरिजेंटल, इसकी मतलब ये जो अपना ये सीधा सीधा रोड जा रहा है कैसा टर्निंग है उसमें दिया रहता है। वर्टिकल स्कीम मतलब जैसे कि आपका हाइट हुआ प्लस और कर्व जो बनता है वो दिया है। फिर वाइडनिंग, वाइडनिंग मतलब क्या होता है, देखिए वाइडनिंग स्कीम का होता है कि जब आपका कहीं कर्व ज़्यादा रहता है बड़ा, मतलब कर्व जहाँ पे प्रॉब्लम होती है गाड़ियों को मूवमेंट के लिए, उस जगह में अपने रोड को एक्स्ट्रा वाइडनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ इसमें दिया रहता है। और ये सुपर एलिवेशन दिया हुआ है, देखिए एलिवेशन ये 2% का है, 2% का, और यहाँ जो है 7% का एलिवेशन दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हो 7%। और ये जो लेंथ है ये देखिए आप एक साइड का यहाँ से देख लीजिए, ये जो है सुपर एलिवेशन का है, और यहाँ मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग यही जो होता है आपका कर्व लेंथ रहता है। ठीक है, और ये आपका जो है चेनेज वाइज मेंशन। अब ये आप किसी कोई पूछेगा इस चेनेज का मतलब इस लोकेशन का हाइट क्या है, तो पहले तो आप चैनेज फाइंड आउट करेंगे कौन सा चैनेज पर अपन काम कर रहे हैं। ये सपोज ये हमारा 66020 चैनेज है, तो उसका तो हमारा एग्जिस्टिंग रोड लेवल हो गया, और लेवल एट प्रपोज सेंटर ये जो अपना प्रपोज रोड लेवल ये हो गया, एग्जिस्टिंग रोड ये था और प्रपोज ये है, सीधी सी बात है, और ये जो हमारा ये उसका डिफरेंस है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अभी आप इसी रोड के हिसाब से आप काम कर लेंगे और हर अपना क्रस्ट का अलग अलग ये निकाल लेंगे, लेवल निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको PQC का नीचे का लेयर करना है, तो ये जो आपका FRL हो गया उसमें से आप जितना का PQC का थिकनेस दिया रहेगा, सपोज 280 दिया, 300 दिया, तो 300 माइनस कर लेंगे। उसके बाद DLC का जो नीचे का DSB के टॉप का लेवल निकालना रहेगा, तो अपना जो है PQC DLC ये दोनों माइनस कर देंगे, तो हमारा GSB टॉप का लेवल निकल जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अपना देखिए ये जो है अपना शेड्यूल बी, अपना चैनेज जितना दिया है, टाइप ऑफ पाइप और साइज दिया है 1.2, मतलब यहाँ पे क्या है
पाइप कलवर्ट है, ये देखिए आपको दिख पा रहा है, ये पाइप कलवर्ट है। और पाइप में कलवर्ट का साइज क्या दिया है, 1x1.2, मतलब 1200 डाया का पाइप रहेगा और सिंगल रो में रहेगा। और यही 2x1.2 रहता था तो क्या होता था कि आपका दो डबल डबल सेल का जो रहता है वो बनाना रहता है, टू रो में डालना। हाँ, तो ये चीज़ आपका क्लियरली मेंशन रहता है हर जगह पे आपका, यही ब्रिज रहेगा तो ब्रिज का मेंशन किया रहेगा। और ऐसे ही हर चैलेंज पे आप ऐसे बढ़ते जाएंगे, अभी 66 हो गया, 20, 30, ऐसे ही एक एक चैलेंज का आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और इसमें एकदम बिल्कुल आप देखेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपका कौन सा ब्रिज दिया है। देखिए टाइप इतना 67, 490 पे MN भी दिया हुआ है, MN भी दिया हुआ है, और उसके बाद 2.15 यही जो हमारा MNB है। ठीक है सर, ये 2x10 दिया है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका टू रो में 10 मीटर स्पैन का जो है माइनर ब्रिज रहेगा। अच्छा, उसका स्पैन दो स्पैन रहेगा, 10-10 मीटर का वेट का रहेगा। ठीक है, और लोकेशन हो गया, ब्रिज हो गया, और ये देखिए इसमें आपका क्लियरली पता चल जाएगा। और ब्रिज का भी अपना जो है लेवल, अपना FRL है, उसी के हिसाब से क्लियर हो जाता है। FRL से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, प्रपोज रोड लेवल जो हो गया उससे आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही आपका सब कुछ रहता है, आप देख पा रहे हैं। तो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि प्लान एंड प्रोफाइल कैसे पढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आप हमसे डायरेक्टली अपना मैसेज डाल सकता है, जिससे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कुछ भी डाउट हुआ तो उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू सर, आपसे बहुत नॉलेज प्राप्त हुआ आज। धन्यवाद, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। धन्यवाद, जय हिंद।